नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी राशन कार्ड बनवाया हुआ है तो आप राशन कार्ड में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड में है या नहीं है वह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 2022 तक सरकार द्वारा ऐलान किया गया था फ्री राशन देने का जो कि अब समाप्त हो चुका है तो दोस्तों क्या मार्च के बाद भी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए जैसे जहाँ शेयर भी करिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप अपना नाम राशन कार्ड में देख सकते हैं तो दोस्तों आपको आ जाना है सिंपली गूगल क्रोम ब्राउजर पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर टाइप करना होगा सिंपली राशन कार्ड यहाँ पर आपको राशन कार्ड टाइप कर देना है अब दोस्तों इसके प्रांत आपको सर्च करना होगा अब सर्च करते ही आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको बहुत सी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी दोस्तों गवर्नमेंट वेबसाइट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे और जो प्राइवेट हैं वह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे लेकिन आपको सिंपली एक ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है एन एफ एस ए डॉट जी ओ वी डॉट इन यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो सरकार द्वारा रन की जाती है सरकार द्वारा चलाई जाती है तो दोस्तों राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल्स एन एफ एस ए के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है अब आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा नीचे स्क्रॉल करने के उपरांत दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो अपने मोबाइल को आप डेस्कटॉप साइट में भी कर सकते हैं जैसे कि आप कॉर्नर में देख रहे होंगे थ्री डॉट यहां पर दिखाई दे रहे हैं सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के उपरा दोस्तों आपको अपना मोबाइल डेस्कटॉप साइट में कर लेना है अब दोस्तों यहां पर आपको आपका जो मोबाइल है वह कंप्यूटर की भांति चलता हुआ नजर आएगा जैसे कि डिस्ट डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में आप कार्य करते हैं उसी प्रकार से आप अपने मोबाइल में भी कर पाएंगे सिंपली आपको नीचे स्कॉल करना है अब दोस्तों ही। आप चाहे भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हैं आप उसी राज्य की राशन कार्ड लिस्ट आसानी से चेक कर पाएंगे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश असम चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा झारखंड मैनपुर बहुत से राज्य दिए गए हैं सभी राज्य है। भारत देश में जितने भी राज्य हैं वैसे भी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं सिंपली हम करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक कर देना है अब उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के प्राण दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ठीक है या फिर ओके का ऑप्शन यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा का दिखाई के ऊपर क्लिक करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है यानी कि जिस भी राज्य में आप रहते हैं वह उस राज्य के सभी जिलों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे यहाँ पर आप अपने जिले का नाम देख पाएंगे जो भी आपका जिला है वही उसी जिले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे राशन कार्ड यानी कि आपके राज्य में कितने राशन कार्ड है यहाँ पर आपको पात्र गृहस्थी के राशन यानी के जो राशन कार्ड होंगे वे दिखाई देंगे और यहाँ पर अंत्योदय राशन कार्ड दिखाई देंगे कितने राशन कार्ड बने हुए हैं कितने लाभार्थियों ने बनवाए हैं है ना ये सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे चलिए मैं एग्जाम्पल तौर पर आपको किसी जिले के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ जिले के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे नंबर एक टाउन और नंबर दो आपका आ जाएगा ब्लॉक यानी दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप गांव के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहां पर गांव के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और अगर आप कस्बे या फिर शहर के रहने वाले हैं तो दोस्तों आपको नगरीय क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा है ना तो सिंपली चलिए मैं आपको गाँव की ही लिस्ट दिखा देता हूँ अब यहां पर जो भी आपने जिला सेलेक्ट किया है उस जिले में आने वाले सभी ब्लॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना होगा चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है अब आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो भी आपका ब्लॉक है आपके ब्लॉक में जितने भी गाँव हैं वह सभी गाँव की लिस्ट आपके सामने इस तरह से निकल कर आ जाएगी तो दोस्तों आपको यहीं पर ही क्लिक करना है जो भी आपका गाँव है है ना लाभार्थी कितने हैं कितने राशन कार्ड बने हैं वे सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे सिंपली तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं हमने एक गाँव के ऊपर क्लिक किया है अब फिर से एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो डीलर का नाम है वह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे फिर आपके गाँव में कितने राशन कार्ड हैं पातग्रस्त के एपीएल के तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साथ ही दोस्तों अंत्योदय राशन कार्ड कितने बने हुए हैं वह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे तो अगर आपने अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया है तो आपको अंत्योदय पर ब्लू कलर में अंक दिखाई देंगे आपको यहां पर क्लिक करना है और अगर पात्र पातग्रस्त एपीएल वगैरह कार्ड बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पर उसके नीचे ब्लू कलर के अंक जो दिखाई देंगे उसके ऊपर क्लिक करना है चलिए मैं आपको अंत्योदय का वाले का ही दिखा देता हूँ तो यहाँ पर अंत्योदय पर मैं क्लिक करता हूँ अब फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट है वह निकल कर आ चुकी है पूरे गांव की सबसे पहले यहाँ पर आपको जो राशन कार्ड है उसकी कार्ड संख्या निकल कर आ जाएगी किसके नाम पर बना है राशन कार्ड यहाँ पर आप देख पाएंगे पिता का क्या नाम है या फिर पति का क्या नाम है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे माता का क्या नाम है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे किस राशन कार्ड के अंतर्गत कितनी यूनिट है वह दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे सपोज दैट दोस्तों यहाँ पर एक नाम है शुरुआत में ही सविता और इनके पति हो पति पति हो या फिर पिता हो फिर नेक्स्ट यहाँ पर उमेश लिखा हुआ है उसके उपरांत उर्मिला है यानी कि दोस्तों सविता के परिवार में जो राशन कार्ड में यूनिट जुड़ी हुई है वह पाँच यूनिट जुड़ी हुई है उसी तो प्रकार से आप भी देख सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि राशन कार्ड में किस किस व्यक्ति के नाम है वह भी आप यहां पर देख पाएंगे लेकिन सिंपली आपको यहां पर जो राशन कार्ड के अंक दिखाई दे रहे हैं यानी के कार्ड नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपको सिंपली इनके ऊपर क्लिक करना होगा जो ब्लू कलर के हैं ब्लू कलर के है ना तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नीले कलर पर और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके परिवार के जितना भी राशन कार्ड में नाम है सभी के नाम निकल कर आ जाएंगे हालांकि दोस्तों मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है मैं आपको ये पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यह यूट्यूब के खिलाफ है नियमों के खिलाफ है है ना तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं है ना तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं और सदस्य कितने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सदस्य का आप नाम देख सकते हैं केवल एक ही राशन कार्ड में यहाँ पर नाम है अगर हम फिर से यहाँ पर बैक जाते हैं और हम किसी अन्य का नाम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में ही ले, ले लेते हैं सविता का तो ये आप यहाँ पर देखेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सदस्य के नाम आएंगे पांच सदस्य हैं तो यहाँ पर पांच पांचों के नाम आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर महिला है या पुरुष है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों उनका रिश्ता क्या है रिलेशन क्या है वे रिलेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वम है पिता है देवर है भाभी है जो भी है भाई बहन जो भी है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पिता के पिता का क्या नाम है वह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे तो इस प्रकार से सिंपल दोस्तों आप अपने पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड लिस्ट में देख सकते हैं किसकी यूनिट कटी हुई है किसकी यूनिट नहीं कटी हुई है वह आप घर बैठे ही देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक तो हमारा जो डाउट है वह क्लियर हो चुका है कि इस प्रकार से आप अपना नाम देख सकते हैं और डीलर से ठोक कर बोल सकते हैं कि हमारा नाम राशन कार्ड में है और हमें राशन राशन चाहिए है ना अब बात आती है आपकी कि जिन व्यक्तियों को राशन कार्ड नहीं मिलता है जिनका नाम राशन कार्ड से कट गए हैं यूनिट कट चुकी है तो वैसे किसी भी दोस्तों सी एस सी एस सी केंद्र पर जाकर वह अपना नाम जुड़वा सकते हैं अपना नाम ऐड करवा सकते हैं लेकिन सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि जो राशन दिया जाएगा वह केवल दोस्तों यहाँ पर मार्च महीने में ही मार्च महीने में ही राशन कार्ड दिया जाएगा यानी कि मार्च महीने तक ही राशन दिया जाएगा गलती के लिए माफी चाहेंगे मार्च महीने तक ही राशन देने का ऐलान सरकार ने दिया था फ्री का लेकिन अब समाप्त हो चुका है हो सकता है कि आपको फ्री में अब राशन ना दिया जाए हालांकि अभी तक इसके लिए कोई नया अपडेट नहीं आया है जैसे भी कोई अपडेट आएगा देने का या फिर ना देने का तो आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्तों अवगत करा दिया जाएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करिएगा चैनल पर कर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेगा तो आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको अपने वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत